हाय दोस्तों, आज आप खुश तो बहुत होंगे इस थंबनेल को देख के, क्योंकि आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूँ जिस चीज के लिए मुझे नाना करते हुए 3 या 4 साल से इतने सारे कमेंट आए हैं कि मैं काउंट भी नहीं कर सकता। मुझसे कितने लोगों ने पूछा कि भैया कस्टमर है वो अपनी अलग साइड के कैमरे अलग साइड रखना चाहता है, मतलब ऑफिस में कैमरे लगे हैं और वो चाहता है कि अपने घर बैठ के अपने टीवी पे मतलब कि वो नहीं कि अपना ऐप डाल के या इंटरनेट से या फिर उस तरीके से, वो चाहता है कि डीवीआर लगा के जैसे कैमरे जो ऑफिस के हैं वो घर पे चला सकूं, उस टाइप से सेटिंग करने के लिए मुझे बहुत सारे लोग कह रहे थे। हालांकि अभी भी मेरे चैनल पे बहुत सारे जो सब्सक्राइबर हैं, बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं, वो इतने शाणे हैं कि वो कमेंट करेंगे कि भैया हम तो दिल्ली रहते ही नहीं हैं, हम तो लखनऊ में लगाया नहीं हुआ, हम कैसे करेंगे। अरे यार भैया, आप लोग ऐसा कमेंट ना करें तो मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, दिल्ली लखनऊ जस्ट एक वर्ड। आप कहीं पे भी रहते हो, आपका डीवीआर कहीं पे भी लगा हो, आप अमेरिका रहते हो, यूएसए रहते हो, ये ट्रिक आप सबके लिए काम करेगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप अपने दिमाग को शांति दो और इस वीडियो को बस पूरा देखना। मेन क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी करते हैं कि भैया जल्दी जल्दी सीख जाए, जल्दी जल्दी सीख जाए। जल्दी सीखने का मतलब ये होता है कि वो कोई ना कोई स्टेप्स भूल जाएंगे, कोई ना कोई स्टेप छोड़ देंगे और बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे होंगे कि भैया हमारी तो ये ट्रिक चली नहीं, आपने क्या सिखाया, आपने तो गलत सिखाया। तो भैया इसमें कुछ भी गलत नहीं है, बस इसमें जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो स्टेप्स को फॉलो करना, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गाइस मैं आपको क्लियर कर दूं, आपके कैमरे लगे हैं कहीं पे भी, आप सपोज कीजिए वो कितना किलोमीटर है मैटर नहीं करता, क्योंकि चलना वो इंटरनेट से ही है। तो कोई किलोमीटर में आपको पॉइंट टू पॉइंट वाला सिस्टम करने वाला, मैं आपको आपके एलईडी पे कोई ऐप डालना नहीं सिखाने वाला, मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जो डीवीआर है, आपके जो कैमरे हैं, वो लगे हैं साइड ए में, जहां से कोई वायर आना पॉसिबल नहीं है, जहां से कोई पॉइंट टू पॉइंट आना पॉसिबल नहीं है। एलईडी के अंदर भी हम कोई ऐप नहीं डालने वाले, नॉर्मली जैसे हम एचडीएमआई में से अपने कैमरे कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे भी हम एक एनवीआर या डीवीआर लेके अपने कैमरों को लाइव देखने वाले हैं, अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। सो गाइस, आपके मन में जो जो क्वेश्चन चल रहे होंगे उनको पुट अप करने के लिए आए हैं मेरे हमशक्ल, मेरे डुप्लीकेट, मेरे भाई यानी कि मैं खुद। तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं आपको ही जवाब दूंगा, तो थोड़ी सी वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन, चलिए शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले आपको कहूंगा कि आप अपने भूल ना जाए कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे काफी यूनिक्स और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आती रहती हैं। सो जैसा आपको पता है कि ये वाले टॉपिक पे अभी तक यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, सो ऐसी काफी सारी और वीडियो भी मेरे चैनल पे आने वाली है, तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर के जो भी अपलोड वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। सो पहला क्वेश्चन है कि इसमें कौन कौन सी कंपनी के डीवीआर कंपैटिबल हैं, मतलब कि इसमें हिकविजन चलता है, दहुआ चलता है या और कोई ब्रांड भी हम चला सकते हैं, जैसे कि लोकल ब्रांड्स आती हैं, तो कौन कौन से डीवीआर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसमें, वो पहला क्वेश्चन है हमारा। गाइस बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है कि हाँ भाई इसमें कौन सा डीवीआर होना चाहिए जो कि कंपैटिबल है, कि हम कहीं का डीवीआर कहीं और पॉइंट ए का डीवीआर पॉइंट बी में उठा सकते हैं। सो इसमें मैंने हिकविजन में ट्राई किया है, इसमें मैंने सीपी प्लस में ट्राई किया है, इसमें मैंने दहुआ के चलाए हैं, इसमें मैंने जो लोकल जो नेटवर्क ब्रांड आती है जो कि XMI ऐप में चलते हैं, मैंने वो भी चलाए हैं। तो आप एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दूं कि डीवीआर कौन सी कंपनी का है वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, इसमें क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो ज़्यादा मैटर करती है। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में होगा, क्या जहाँ पे हमने कैमरे लगाए हैं वहाँ पे डीवीआर का होना जरूरी है? सो गाइस हाँ, अगर आपने लगाए हैं HD कैमरे तो आपका वहाँ पे DVR होना कंपलसरी है, अगर आपने लगाए हैं IP कैमरे तो भी वहाँ पे DVR या NVR का होना कंपलसरी है, मतलब वो वाले कैमरे वहाँ पे सेटअप पे चलने चाहिए तभी आप उनको डाइवर्ट कर पाएंगे। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि अगर आपका साइड A में लगा हुआ है हिकविजन का कैमरा या हिकविजन का DVR तो आपको साइड B में भी लेना पड़ेगा हिकविजन का ही NVR। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन यह आएगा कि इसमें DVR टू DVR कन्फिगर होता है, NVR टू NVR कन्फिगर होता है, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आपको दो इक्विपमेंट लेने पड़ते हैं, अगर साइड ए में आपका लगा हुआ है DVR तो साइड बी में आप DVR भी ला सकते हैं, क्योंकि आजकल जो DVR है वो हमारे NVR बन जाते हैं। बेसिकली हमें NVR की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन DVR में भी हम IP कैमरे ऐड कर सकते हैं, जैसे जो कि वीडियो पहले बना चुका हूं मैं, सेम उसी तरीके से आप NVR में या DVR में
वो वाले सारे कैमरे उठा सकते हैं। तो वहां पे क्या लगा है, डीवीआर लगा है, तो आप यहाँ पे डीवीआर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप एनवीआर भी लगा सकते हैं। वहां पे अगर एनवीआर लगा है तो आप यहाँ पे डीवीआर भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे एनवीआर भी लगा सकते हैं। तो कोई मैटर नहीं करता कि वहां पे क्या लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, आप यहाँ पे दोनों साइड पे अपना डीवीआर या एनवीआर लगा के कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन कौन सी कंपनी का होना चाहिए, क्या हमें दोनों जगह पे कोई ब्रॉडबैंड लगाना पड़ेगा, या हम एक जगह पे नॉर्मल अपना जियो फाई डोंगल जो आते हैं, जो हमारे राउटर्स आते हैं छोटे वाले, जो कॉफ की डिवाइस आती हैं, तो क्या हम उनसे भी कर सकते हैं या हमें ब्रॉडबैंड ही चाहिए? जी हाँ दोस्तों, आपको दोनों जगह इंटरनेट कनेक्शन चाहिए ही चाहिए। अब इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी, जो हमारी साइड ए है वहां पे कंपलसरी आपको ऐसा ब्रॉडबैंड लगवाना है जो कि आपको स्टैटिक आईपी इशू करता हो। गाइस, एकमात्र तरीका है डीवीआर को उठाने का कि आपको वहां पे स्टैटिक आईपी लगा होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, स्टैटिक आईपी क्या होता है, मतलब स्टैटिक आईपी हमें कैसे चलता है पता, हमें कहां से लेना पड़ता है, होता क्या है बेसिकली स्टैटिक आईपी? तो ये क्वेश्चन है तीसरा। स्टैटिक आईपी होगा तो ही आप उस डीवीआर को यहां पे ले सकते हैं, अगर स्टैटिक आईपी नहीं होगा तो आप इस प्रोसीजर से अपने डीवीआर को ऑनलाइन नहीं कर सकते। तो आपका ब्रॉडबैंड वाला आपको स्टैटिक आईपी इशू करता है कि नहीं करता, उसके लिए पता क्या करना है, उसके लिए आपको मेरे को कमेंट नहीं करना, उसके लिए आपको अपने ब्रॉडबैंड वाले को कॉल करना है, उससे पूछना है कि भैया मुझे स्टैटिक आईपी चाहिए, तो क्या आप लोग इशू करते हैं? अगर वो इशू करता है तो ठीक, अगर वो नहीं करता तो आपको अपना ब्रॉडबैंड कनेक्शन चेंज करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि साइड बी है जहां पे हमें सिर्फ वॉच करना है, क्या वहां पे भी कोई कंपलसरी हमें स्टैटिक आईपी चाहिए होगा? तो वहां पे नहीं चाहिए, वहां पे आपको कोई स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए। वहां पे अगर आप जियो का डोंगल लेके भी लाइव कर रहे हो तो भी आपका हो जाएगा, वहां पे मैटर नहीं करता स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी आपको चाहिए साइड ए में जहां पे हमारा सेटअप लगा हुआ है, जहां पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, वहां पे आपको स्टैटिक आईपी चाहिए। साइड बी पे आपको स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है इसके लिए। गाइस, कौन कौन सी कंपनियां इशू करती है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एयरटेल इशू करती है, एयरटेल के मैंने कई बार लिए हुए हैं, MTNL इशू करती है, BSNL इशू करती है स्टैटिक आईपी। ये तीनों कंपनियां देती हैं जिनसे मैं ले चुका हूं, और कई प्राइवेट कंपनियां जो ब्रॉडबैंड आजकल चल रहे हैं वो भी इशू करते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है जियो वाला इशू नहीं करता, लेकिन फिर भी आप जियो वाले से बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें स्टैटिक आईपी चाहिए, क्या आप इशू करेंगे? अगर वो इशू करते हैं तो क्या दिक्कत है, उनसे आप ले लीजिए। बस आपको स्टैटिक आईपी लेना है, उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन करनी है। गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको सिर्फ बताने नहीं वाला, मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ, प्रैक्टिकली चलाते दिखाऊंगा आपको। लेकिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जब तक आप सारे पॉइंट क्लियर ना हो जाए तो वीडियो को स्किप ना करें कि जल्दबाजी में आप आगे चले जाएं और ये क्वेश्चन छोड़ दें, क्योंकि इन क्वेश्चन का बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके आने वाले टाइम की जो आप सेटिंग करने वाले हैं उसके ऊपर। तो वन बाय वन क्वेश्चन सुन लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे प्रैक्टिकल में। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको सीखने का मौका मिला है तो आप सीख लीजिए, इसे ग्रैब कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। हम ये चीज कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमें आईपी इशू हुआ है वो स्टैटिक आईपी है या डायनेमिक है, मतलब स्टैटिक आईपी इशू हुआ है कि नहीं हुआ, ये हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो स्टैटिक है कि डायनेमिक है? गाइस, क्वेश्चन है स्टैटिक आईपी क्या होता है और उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि स्टैटिक आईपी इशू हुआ है कि नहीं हुआ। गाइस, स्टैटिक आईपी वो होता है जो कि बेसिकली आपको ब्रॉडबैंड कंपनियां वाली इशू करती हैं। अगर आप एक्सप्लोरर या क्रोम खोलते हैं, वहां पे डालते हैं whatismyip.com, सबसे पहले आप जब कंपनी को मेल करते हैं या स्टैटिक आईपी की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो आपको आपका स्टैटिक आईपी बताती है। स्टैटिक आईपी किस टाइप का होता है, वो आपको 4 वर्ड्स में मिलता है, लाइक 192.168.1.110, ये तो हो गया हमारा लोकल आईपी। जो स्टैटिक आईपी होगा वो हो सकता है 59.176.15.243, ऐसे हो सकता है, या फिर हो सकता है 177.243.215.50, मतलब डॉट 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 तीन डॉट आते हैं और चार वर्ड्स होते हैं। तो जब भी आप टाइप करेंगे whatismyip.com तो आपका स्टैटिक आईपी आपको शो होगा। अगर आपका स्टैटिक आईपी नहीं भी है तो भी रेंडमली आपको वहां पे आईपी शो होगा। लेकिन आप चेक कैसे करें कि आपको स्टैटिक आईपी इशू हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको 2-3 बार अपने राउटर को बंद करना है। अगर आप एक बार भी राउटर को बंद करेंगे, राउटर को रीस्टार्ट करेंगे, अगर वो डायनेमिक आईपी होगा तो वो चेंज हो जाएगा। एग्जांपल, आपने टाइप किया whatismyip.com, आपका एक आईपी फ्लैश हुआ, आपने राउटर को बंद किया, राउटर को स्टार्ट किया, उसके बाद आपने अगेन क्रोम खोला, अगेन टाइप किया whatismyip.com, तो जो आपका आईपी एड्रेस है, जो स्टैटिक आईपी हम कहते हैं,
वो आईपी अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब वो डायनेमिक आईपी है, अगर वो चेंज नहीं हो रहा मतलब वो स्टैटिक आईपी है। स्टैटिक आईपी आपका चेंज नहीं होता, डायनेमिक आईपी आपका चेंज होता रहता है। जो हम पोर्ट फॉरवर्डिंग बोलते हैं वो होती क्या है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, क्या हमें कोई डीबीएम में सेटिंग करनी पड़ती है या हमें राउटर में सेटिंग करनी पड़ती है? तो बेसिकली क्वेश्चन है कि पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होती है, उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टैटिक आईपी इश्यू होने के बाद भी आपको कुछ एक सेटिंग करनी पड़ती है। उन सेटिंग में सबसे पहले होता है पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए आपको राउटर के पेज के अंदर इंसर्ट होना पड़ता है, एंटर होना पड़ता है, आपको राउटर का पासवर्ड पता होना चाहिए। अगर आपको राउटर का पासवर्ड नहीं पता तो जिस ब्रॉडबैंड वाले से आपने स्टैटिक आईपी इशू करवाया है उसको बोल के अपना राउटर का पेज ओपन करवाइए, या फिर उसको आप बोलिए कि मुझे डीवीआर को पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी है डीवीआर के लिए। सो वो आपके साइट पे आके पोर्ट फॉरवर्डिंग की सुविधा देंगे आपको, उसके वो चार्जेस नहीं लेते क्योंकि स्टैटिक आईपी ऑटोमेटिकली चार्जेबल होता है काफी कंपनियों में। कुछ एक कंपनी फ्री होता था पहले लेकिन अब उसमें पेड हो गया है। तो स्टैटिक आईपी की आपसे वो ईयरली या मंथली चार्जेस बनते हैं, सो वो आपकी सेटिंग करने के लिए आएंगे। बेसिकली डीवीआर का जो लोकल आईपी होता है, जो कि आपका हो सकता है 192.168.1.108 हो सकता है बाय डिफॉल्ट जो आता है, या कुछ भी आईपी एड्रेस है, उसके अंदर जो पोर्ट होती है उसकी वो 80 पोर्ट होती है, फिक्यूजन में 8000 होती है। तो वो दोनों पोर्ट्स को फॉरवर्ड करना पड़ता है। फॉरवर्ड करने के लिए आपको राउटर के पेज के अंदर एंटर करना पड़ता है और डीएमजेड के अंदर जो ऑप्शन आता है उसके जाके आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ता है अपने डीवीआर का। आपका डीवीआर का जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो जाती है। तो आपके अंदर जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड करने के लिए आप सिंपली अपने ब्रोडबैंड वाले को बुलाइए। अगर वो स्टैटिक आईपी देते हैं तो आपकी पोर्ट ब्लॉक नहीं होंगी, अदरवाइज सम ब्रॉडबैंड में पोर्ट भी जो होती है वो 80 पोर्ट को ब्लॉक कर देते हैं, काफी पोर्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो आप वो आईपी की सेटिंग नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्टैटिक आईपी नहीं लेंगे। तो सबसे पहले आपने स्टैटिक आईपी लेना है, ब्रॉडबैंड वालों को अपनी साइट पे विजिट करवाना है और उनको बोलना है कि भैया मुझे पोर्ट फॉरवर्डिंग करके दीजिए। पोर्ट फॉरवर्डिंग आपकी हुई है सही से या नहीं हुई, इसके लिए आप जब पोर्ट फॉरवर्डिंग हो जाए आपके डीवीआर के वो बोले पोर्ट फॉरवर्ड कर दी है, तो अपने मोबाइल फोन पे अपना स्टैटिक आईपी डाल के देखिए, अलग ब्रॉडबैंड से, वाईफाई से नहीं, अलग ब्रॉडबैंड से अपना 4G ऑन कीजिए। अपने राउटर का जो अपना राउटर कह रहा हूँ, अपना स्टैटिक आईपी जो है अपने मोबाइल में क्रोम के अंदर एंटर कीजिए। अगर आपका डीवीआर यहाँ पे खुल रहा है, मतलब कि ओपन होने का मतलब ये होता है कि वहां पे पेज खुल गया है, लॉगिन पेज खुल गया है, इसका मतलब कि आपकी जो पोर्ट है वो फॉरवर्ड हो चुकी है। अगर वो पेज ओपन नहीं हो रहा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, इसका मतलब कि जो आपकी पोर्ट है वो सही से फॉरवर्ड नहीं हुई है। जहाँ पे हमने डीवीआर लगाया है, जहाँ पे हमारा कैमरा लगा हुआ है, क्या हमें वहाँ पे कोई सेटिंग करनी पड़ती है? चाहे वो डीवीआर की सेटिंग की बात करूँ, चाहे वो राउटर की सेटिंग की बात करूँ, वहाँ पे हमें कौन सी सेटिंग करनी पड़ती है जिससे कि हमारी वहाँ की जो कैमरे है वो हम डी साइड पे देख सकें? दोस्तों डीवीआर में सेटिंग करने की बात बोलूँ तो डीवीआर आपका ऑनलाइन होना चाहिए, डीएससीपी एनेबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब पोर्ट फॉरवर्डिंग की बात करते हैं तो बेसिकली डायनेमिक आईपी को ही फॉरवर्ड करता है। अगर आप DSCP एनेबल कर देंगे तो आपका जो लोकल आईपी है वो बार बार ही चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने जो आईपी एड्रेस है DSCP उसको डिसेबल रखना है। जब आपका डीवीआर ऑनलाइन हो जाए तो उसको स्टैटिक पे रखिए, उसको DSCP मत कीजिए, एंड देन आप सेटिंग कीजिए। ये तो होगी सेटिंग आपके डीवीआर की। डीवीआर का ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन का स्टेटस मतलब कि आप हिक कनेक्ट पे चेक होते हैं इसमें, क्योंकि आपने स्टैटिक आईपी ले लिया है, लेकिन आप जब क्रोम पे खोलते हैं स्टैटिक आईपी डालते हैं तो आपका वाईफाई के थ्रू या 4G के थ्रू आपका जो डीवीआर का पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो ये सेटिंग तो होती है डीवीआर के अंदर, और राउटर में आपको बता चुका हूँ DMZ के अंदर आप आईपी डालेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर आपसे ना हो तो ब्रॉडबैंड वाली कंपनी को बुलाइए, वो आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसमें कोई भी इशू नहीं है। क्या कोई और तरीका भी होता है कि हम अदर साइड पे चेक कर सके कि हमारा वहाँ का जो आईपी एड्रेस है वो चल रहा है नहीं चल रहा है, हमारे कैमरे पिंग हो रहे कि नहीं हो रहे, हमारे कैमरे रिप्लाई कर रहे कि नहीं कर रहे? किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आईपी एड्रेस है वो ओके है, वो फॉरवर्ड हो चुका है, वो चल रहा है हमारे यहाँ पे, सब कुछ चेक? दोस्तों एक तरीका और है, आपका जो स्टैटिक आईपी है वो रिप्लाई दे रहे हैं दे रहा, आप किसी भी और अपना जो एक्सप्लोरर है या किसी भी और पीसी पे जाके जब रन पे जाते हैं पिंग स्पेस स्टैटिक आईपी डाल के -3 लिखते हैं, अगर वो रिप्लाई दे रहा है इसका मतलब कि आपका जो पोर्ट है वो फॉरवर्डिंग हो चुकी है, आपका जो आईपी है वो रिप्लाई दे रहा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, जिस तरीके से आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो आपका रिप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये कुछ एक तरीके थे कि आपको क्या क्या होना कंपलसरी है। इसके बाद जो तरीके आएंगे मैं आपको लिख दूंगा प्रैक्टिकल वीडियो में, मैं आपको दिखाने वाला हूं अपने यहाँ पे डीवीआर जो लगा रखा है मैंने,
फिर दिखाऊंगा कैसे मैंने दिल्ली में इसको कॉन्फ़िगर किया, डीवीआर में क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है वो भी आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बाकी सेटिंग कहाँ कहाँ करनी है वो आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपने जो काम करना है आपको पता होना चाहिए आपके जो डीवीआर है उसका लोकल आईपी एड्रेस क्या है। जैसे कि मुझे पता है कि मेरे पास एक कैमरा लगा हुआ है वाईफाई, मैं आपको जस्ट एग्जांपल दिखाने वाला हूँ कि मेरे पास एक कैमरा लगा हुआ है वाईफाई जिसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.104। अब मैं खोलता हूँ तो यहाँ पे मेरा डीवीआर का पेज ओपन होना चाहिए उस आईपी एड्रेस से। लोकल आईपी से अगर आपका डीवीआर का पेज ओपन हो जाएगा देन आपने चेक करना है व्हाट इज माय ip.com। सो व्हाट इज माय ip.com जब आप डालेंगे, अगर आपका स्टैटिक आईपी कॉमन होगा सेम होगा तो ये आईपी एड्रेस आपका चेंज नहीं होगा। जैसे मेरा आ रहा है 103.87.50.24। अगर हम राउटर को रिस्टार्ट करेंगे तो ये आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा अगर ये हमारा स्टैटिक आईपी नहीं है तो। अगर हमारा स्टैटिक आईपी है तो ये हमारा यही सेम आईपी रहेगा। सो चलते हैं राउटर पेज के अंदर, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ कैसे, लेकिन मैं आपको प्रोग्रामिंग करते हुए पूरा दिखाऊंगा। सो आ गए हैं बेसिकली राउटर के पेज के अंदर। तो यहाँ पे आप वन बाय वन जो सेटिंग में जाएंगे, जैसे इंटरनेट में गया, वायरलेस सेटिंग, बैंडविड्थ, सो यहाँ पे आपको एक DMZ का ऑप्शन मिलेगा जो कि एडवांस में होता है। यहाँ पे टेंडर जो अपना टेंडर का राउटर है, तो जैसा आपको दिख रहा है ये मेरा DMZ होस्ट है, इसको आपने एनेबल रखना है और यहाँ पे आपने DVR का लोकल IP एड्रेस डालना है। DVR को आपने जो DSCP है वो डिसेबल रखना है और उसमें एक IP एड्रेस जो होगा वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है और ओके पे क्लिक करना है। सो बेसिकली जैसे ही आप ये ओके करेंगे, अब अगर आप रन पे जाके अपना स्टैटिक IP पिंग करके देखेंगे जो कि मेरा था 103 वाला, सो और ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा अगर आपका स्टैटिक IP होगा तो। सो जैसे कि मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन कस्टमर के यहाँ पे जो सेटिंग की थी वहाँ पे रिप्लाई आ गया था। तो जो उनका स्टैटिक IP था मैं आपको यहाँ पे डाल के दिखाने वाला हूँ और कैमरे प्ले करके दिखाने वाला हूँ। सो उसके लिए चलेंगे डायरेक्टली DVR के अंदर। मैं अभी उस साइट पे अवेलेबल नहीं हूँ जहाँ पे सेटिंग मैंने की थी DVR की। सो मैंने यही सेटिंग की थी, DMZ में IP डाला था, स्टैटिक IP अप्लाई करवाया था और अब चलेंगे हम DVR की जो बेसिकली सेटिंग करनी पड़ती है हमें साइड बी पे। तो अभी तक जो बता रहा था वो साइड ए की सेटिंग थी क्या क्या करना पड़ेगा आपको, अब साइड बी पे लेके चल रहा हूँ। साइड बी पे आपको क्या करना पड़ेगा और वहाँ पे कैसे आप DVR को कैमरे सारे जो आपके चल रहे हैं साइड ए पे वो उठा सकते हैं। सो गाइस आ गए हैं मेरे PC के अंदर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक करना है स्टैटिक IP डाल के कि स्टैटिक IP डाल के आपका DVR का पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना स्टैटिक IP जो कि लखनऊ वाली साइट पे मेरे को इश्यू हुआ था जिसकी पोर्ट फॉरवर्डिंग मैंने की थी। सो वहाँ का जो स्टैटिक IP था मैं पहले वो डाल के देखता हूँ कि मेरा जो DVR है वो रिप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बेसिकली मैंने वो IP डाला और मेरा DVR का पेज ओपन हो गया। सो ये चीज़ आपको चेक करनी है कि आपका DVR का पेज ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा और यूजर नेम पासवर्ड डाल के वो ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बेसिकली मैंने डाला यूजर नेम पासवर्ड। सो आप देख सकते हैं मेरा DVR का जो कैमरा है वो कैमरा प्ले हो गया। अब कैमरा 2 प्ले करता हूँ तो नंबर 2 भी प्ले हो गया। नंबर 3 चेक करते हैं तो नंबर 3 प्ले हो गया। सो गाइज ये मेरे कस्टमर के कैमरे हैं। सो वन बाय वन दिखा रहा हूँ आपको सारे कैमरे प्ले करके। यहाँ पे टोटल कैमरे लगे हुए हैं, 8 कैमरों का DVR है तो आप देख रहे हैं इसमें मैंने आपके सामने टोटल 8 के 8 कैमरे यहाँ पे प्ले कर दिए हैं और 8 के 8 कैमरे मेरे चल रहे हैं थ्रू स्टैटिक IP। अब सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, आपको जाना है अपने DVR पे। एक मैंने नया DVR लिया है जिसको मैंने NVR बनाया है तो अब मैं उस पे लेके चलूंगा, उसमें क्या सेटिंग करनी पड़ेगी वो बताऊंगा। सो गाइस ये मेरा DVR है जिसका स्टार्टअप विजार्ड में कर रहा हूँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू DVR है अभी ये। इसको भी NVR बनाएंगे देन इस पे सेटिंग करेंगे। सो कंफर्म पासवर्ड भी कर देते हैं, admin@123 रख देता हूँ उसका फिलहाल एड्रेस जो है, पासवर्ड जो उसका है। देन करना है आपने क्लिक में हटाया तो फिलहाल email ID से, वरना आप इसको डाल सकते हैं email ID, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे डिफॉल्ट पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे, उसके बिना मेरा लॉगिन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ पे admin123 कर देता हूँ और अब करते हैं ओके पे क्लिक। सो गाइस मेरी डिवाइस जो है एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पे करते हैं पैटर्न लॉक क्रिएट।
सो बेसिकली मेरा जो DVR है 5 MP सपोर्टेड है, इसलिए इसका थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट है, आपका हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन मेनली यही करना पड़ता है, डिवाइस को एक्टिवेट करना पड़ता है, जो कि मैंने कर दिया है। यहाँ पे डेट एंड टाइम, इसको आप GMT 5.5 कर सकते हैं अगर आप इंडिया में रहते हैं तो। सो ये प्लस 5.5 मद्रास बॉम्बे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना है। डेट मंथ ईयर ठीक है, यहाँ पे डेट ठीक है, टाइम भी सुबह का हो रहा है तो हल्का सा टाइम में डिफरेंस है, वो ठीक कर देते हैं यहाँ पे 8 मिनट। नेक्स्ट करते हैं। सो यहाँ पे आ रहा है स्टैटिक IP, यहाँ पे लोकल IP नेक्स्ट कर दीजिए, यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, और हिक कनेक्ट को आपको करना है एनेबल। यहाँ पे आप डाल सकते हैं पासवर्ड, वरना मैं इसको छोड़ देता हूँ अभी फिलहाल, और उसे कैंसिल करके नेक्स्ट कर देता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं एक जगह कैमरा यहाँ पे उठाना चाहता हूँ, तो मेरा DVR स्टार्ट हो गया है। तो एक बार चलते हैं सेटिंग के अंदर, क्योंकि मुझे DVR को NVR बनाना है पहले। तो कैमरे के ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पे नीचे आप IP एड्रेस देख रहे हैं, IP कैमरा का ऑप्शन। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप राइट साइड पे IP करने का ऑप्शन, तो मैंने सारे कैमरों पे IP कर दिया और अप्लाई कर दिया। सो इसमें से एक या दो कैमरे रख देते हैं, क्योंकि सपोज कस्टमर के यहाँ पे नॉर्मल कैमरे भी लगे हैं, वो भी देखना चाहता है और अदर साइड के भी चाहता है देखना, तो 4 मैंने नॉर्मल कर दिए, तो ये 4 के बदले या फिर मैं इसको 2 ही नॉर्मल कर देता हूँ, बाकी जो 6 कैमरे हो गए ये कर देता हूँ अपना IP। तो मेरा DVR जो है वो रिस्टार्ट होगा। सो गाइस मेरा जो DVR है वो रिस्टार्ट हो रहा है, तो एक बार रिस्टार्ट होने देते हैं इसे। एंड क्या क्या सेटिंग करनी पड़ेगी वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वरना आप स्टेप छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। तो रेजोल्यूशन, तो इसको यस कर देते हैं। मेरा DVR का पैटर्न लॉक मांग रहा है मुझसे, तो एक बार लॉक खोल देते हैं और मेन्यू में एंटर करते हैं, बाकी की सेटिंग करते हैं। सो गाइस मेन्यू खोलने के बाद यहाँ पे करना है आपने नेक्स्ट पे क्लिक, एनेबल विजार्ड से क्लिक हटा देंगे तो दोबारा से विजार्ड नहीं खुलेगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देते हैं, यहाँ पे अगेन नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं, एंड फिनिश कर देते हैं इस सेटअप को। सो बेसिकली वैसे तो DVR का ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है हमारे इस वाले का भी, तो एक बार देख लेते हैं पहले सेटिंग करके कि हमारा IP एड्रेस इसने ले तो लिया है 192.168.0.107, ये तो ठीक है। तो एक बार इसको प्लेटफॉर्म में जाके एनेबल कर देते हैं। सो एनेबल करते ही आपसे एक वेरिफिकेशन कोड जनरेट करने के लिए बोलेगा, तो उसको एक बार जनरेट कर देते हैं, AAAA121111। गाइस एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि जो आपने साइड ए में वेरिफिकेशन कोड अगर लगाया हो तो उसे हटा लीजिएगा, वहाँ से जो एनक्रिप्शन की वाला ऑप्शन है उसको डिसलेक्ट कर दीजिएगा, अदरवाइज आपका जो DVR है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और वो यहाँ पे ओपन नहीं हो पाएगा। सबसे मेन स्टेप है कि आपको वेरिफिकेशन कोड वहाँ पे नहीं लगाना, एनक्रिप्शन की पे क्लिक नहीं करना। तो मैं ये तो मेरी साइड बी है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड ए में दिक्कत होगी। सो ये मेरा DVR ऑनलाइन हो गया, मतलब नेट से कनेक्टेड हो गया है। तो अब TCP/IP तो ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब चलते हैं कैमरे वाले ऑप्शन के अंदर। सो गाइस आपको कैमरे वाले सेक्शन में आना है, यहाँ पे IP कैमरे के अंदर जाना है और यहाँ पे आपने कस्टम ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने IP एड्रेस डालना है, जो कि मेरा स्टैटिक IP है जो मैंने आपको दिखाया था, तो वो है, ये डाल रहा हूँ स्टैटिक IP। सो स्टैटिक IP आपने यहाँ पे एंटर करना है और आपने करना है एंटर पे क्लिक। यहाँ पे IP पोर्ट ठीक है, पासवर्ड डालना है DVR का। सो मैं बेसिकली DVR का पासवर्ड यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू टू ऐड पे क्लिक करना है आपने। यहाँ पे आपने पूछ रहा है कि 8 के 8 कैमरे, इसने DVR को सेंस कर लिया है और 8 के 8 चेकबुक दिखा रहा है मुझे कि 8 कैमरे ऐड करने हैं, तो मैंने 3 नंबर हटा दिया है और ओके पे क्लिक कर दिया है। सो गाइस मेरे जो कैमरे हैं उसने सारे के सारे ऑटोमेटिकली उठा लिए हैं 1 से लेकर 8 तक। तो एक बार देखते हैं हमारे कैमरे प्ले हो रहे कि नहीं हो रहे, और इस DVR पे हमारे वाले कैमरे प्ले हो गए हैं। सो जैसे 1 नंबर 2 नंबर तो हमारे HD थे, तो बाकी के जो मेरे कैमरे थे वो सारे आपको दिख रहे हैं, 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर। तो एक बार एक सिंगल कैमरे को बड़ा करते हैं और देखिए मेरा बड़ा होते ही कैमरा मेरी क्लियरिटी कितनी अच्छी आ रही है। अब अगर मेरी हार्ड डिस्क DVR में लगी होगी यहाँ पे तो वो रिकॉर्डिंग होना भी स्टार्ट हो जाएगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। सो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे कैमरे उठा सकते हैं, मतलब अगर आपके यहाँ पे 4 का DVR कहीं और लगा हुआ है और 4 का यहाँ पे, तो 8 का DVR लगा के 4 IP 4 एनालॉग करके आप 4 कैमरे यहाँ के और 4 कैमरे वहाँ के एक साथ प्ले कर सकते हैं। इस टाइप से भी कर सकते हैं, मतलब आपको सिर्फ IP एड्रेस डालना है और कोई भी दिक्कत नहीं है, आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे भी होगी, आपकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे भी होगी। तो दोनों चीज़ आपकी सिक्योरिटी जो है एक बार देखते हैं 3x3 या 4x4 करके, क्योंकि हमारा DVR ये 10 का हो गया है,
तो इस पे हमारे जो चल गए 7 कैमरे, अगर हम इसको 4:4 करेंगे तो बाकी जो कैमरे बचे हैं वो भी चल जाएंगे। तो मतलब मेरी जो सेटिंग है वो एकदम ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। गाइस मेरी कोशिश एक ही होती है कि मैं अपने सब्सक्राइबर अपने व्यूअर्स की हेल्प कर सकूं। जितनी कोशिश मैं करता हूं, जितनी चीजें नई नई सोचता हूं सीखता हूं वो सब मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। बदले में आपको क्या करना पड़ता है, आपको सिर्फ मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मेरी वीडियो को लाइक करना पड़ता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, कोई पैसे नहीं मांगता आपसे, मैं सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब मांगता हूँ। साथ में अगर कोई मन में क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, जिसकी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ एवरी संडे। तो जो भी कमेंट आते हैं, यूनिक कमेंट आते हैं, उनकी वीडियो संडे को लेके आता हूँ क्वेश्चन आंसर वाली। सो अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक पे क्लिक करके सेकंड जूसी मत क्या कीजिए, जिससे कि मेरी हिम्मत बढ़ती है। मुझे चलता है पता है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी कोशिश पसंद आ रही है और मोटिवेशन मिलती है मुझे कि फ्यूचर में और अच्छी और यूनिक वीडियो लेके आ सकूं। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो में इतने एंड तक बने हुए हैं। ऐसी वीडियो देखना पसंद है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।